हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक कोरियन डिश जो बहुत ही टेस्टी होती है। इसका नाम है स्प्रिंग अनियन किमची। ये बहुत टेस्टी है और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए आपको किसी गैस की जरूरत नहीं है। ये बिना गैस के और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। ग्रीन अनियन किमची बनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपनी ग्रीन अनियन किमची बनाना शुरू करते हैं। किमची बनाने के लिए ली है हमने हरी प्याज। हमने इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ बीच में से, ऐसे आपने सारी ग्रीन अनियंस को ऐसे ही कट कर लेना है। एक एक करके हम ऐसे ही उसे काट लेते हैं। ग्रीन अनियन किमची की सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इसका जो प्याज का जो क्रंचीपन है ना, वो बना रहता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम इस प्याज को किसी भी सब्जी में यूज़ करते हैं, इससे कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। लेकिन किमची में इसका क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं होता है। देखिए ये हमारी सारी बीच में से कट चुकी हैं। चलिए हम अब इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक और ली है लाल मिर्च। लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी ज्यादा गिरती है। एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप अदरक को क्रश करके भी डाल सकते हैं। सारी चटपटी चीज़ें इसमें गिर चुकी हैं। अब इसमें ऐड करते हैं आधी चम्मच चीनी। ये हमने शुगर पाउडर लिया है। एक चम्मच ऐड करते हैं इसमें सोया सॉस और एक चम्मच ऐड करते हैं हम इसमें विनेगर। हमने विनेगर की और सोया सॉस की छोटी चम्मच ली है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, इसमें मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसे हम कच्चा खा सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा थिक पेस्ट बना है, हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए थोड़ा सा, बहुत लिक्विड नहीं, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने हाथों से हरी प्याज पे लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ। अच्छी तरह से इसे, ताकि सारे मसाले अंदर तक इसमें चले जाएं। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, मैंने ये थोड़े से ग्लव्स पहन लिए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये मसाले जब इस पे लगे होते हैं ना, अपने आप में ये एक परफेक्ट डिश है। ये हमने सारे मसाले अपनी सारी ग्रीन अनियंस पे अच्छी तरह से लगा दिए हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए हमने इन्हें चावलों के साथ सर्व किया है। इस पे मैंने थोड़े से डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो स्प्रिंग अनियन किमची जो हमने बनाए हैं, ये आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं।
तो देखिए कैसे झटपट एकदम मजेदार हमारी ग्रीन अनियन किमची बनकर तैयार हो गई है। हमें इसके लिए ना किसी गैस की जरूरत पड़ी है और ना ज्यादा हमें इसके लिए झंझट करना पड़ा। बहुत ही मजेदार बनी है। जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं ये उनके लिए है। अगर आप बहुत कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप कम मिर्च डालें, लेकिन ये ज्यादा मसाले डाले जाते हैं इसमें। दूसरी बात, अगर आपके पास रेड चिल्ली सॉस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए। कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।